डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं उसका अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कंज्यूमर, हम आज कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानेंगे। कंज्यूमर को हम एक इकोनॉमिक एजेंट के तौर पर जानते हैं जिसकी क्रियाएं इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे पहली बात हम करते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो एक दिए हुए समय में किसी भी इकोनॉमी में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है उनकी दी हुई कीमतों पर। बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर किस तरह का बिहेव करता है। नाउ कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर की एक कंज्यूमर की इनकम, उसका इनकम, उसका वेल्थ, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वस्तुओं की कीमतें दी होने पर, सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमतें दी हुई होने पर, या इकोनॉमी में जो भी चेंजेस होते हैं उनका वो जब चेंज होता है तो उस टाइम पे कोई भी कंज्यूमर किस तरह से व्यवहार करता है, ये हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। नाउ कि किसी भी कंज्यूमर के पास उसकी जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, यानी जब संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं, तो कंज्यूमर के पास क्या होता है कि वो अपनी सीमित संसाधनों के द्वारा अपने जो अनंत आवश्यकताएं हैं या उन्हें वो किस तरह से मैनेज करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति हो। कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या दो चीजों पर हम विशेष ध्यान दे सकते हैं। पहला भाग क्या होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कि उसके दिए हुए संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं को वो इस तरह से सेटिस्फाई करता है कि इस तरह से वो पूर्ति करता है या इस तरह से उन संसाधनों का बंटवारा करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ये बातें होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। दूसरी बातें क्या होती है कि कंज्यूमर को वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उनके बिहेवियर को। जैसे अगर प्राइस डिमांड एनालिसिस की बात करते हैं कि कंज्यूमर किसी वस्तु की अगर डिमांड करता है, अगर उसकी प्राइस में चेंजिंग हो जाती है तब कंज्यूमर किस तरह से व्यवहार करेगा। कंज्यूमर की खुद की इनकम अगर घटती या बढ़ती है तो फिर वो किस तरह से वस्तुओं की डिमांड करेगा, या फिर वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं की अगर कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तब उपभोक्ता किस तरह का व्यवहार करता है। यानी एक कंज्यूमर की एक समस्या क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम की। दूसरी समस्या क्या है उसकी, डिमांड एनालिसिस की। डिमांड को जो भी चर प्रभावित करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के डिमांड पर। नाउ कि सबसे पहली बात कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी वस्तु की डिमांड क्यों करता है, या वह मार्केट में जाता है तो वो क्यों किसी वस्तु को क्रय करता है। नाउ कि जब कंज्यूमर किसी वस्तु को जब वो क्रय करता है या डिमांड करता है तो वो क्यों करेगा, क्योंकि उस वस्तु से उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी वो पूर्ति होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को भूख लगा है तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई सेब या फल या जो भी उसे जो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके उसे वो परचेस करेगा, यानी उस वस्तु का वो कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर इसलिए किसी भी वस्तु की डिमांड करता है, यानी वस्तु में क्या होता है, वस्तु में उपयोगिता होती है ये। लेकिन समस्या क्या आती है कि उपयोगिता को हम कैसे मापे हैं। उपयोगिता के मापने को लेकर हमारे पास दो अप्रोच है। पहली बात कार्डिनल अप्रोच एंड दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है, कार्डिनल अप्रोच कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उससे जो मिलने वाली उपयोगिता होती है उसको हम माप सकते हैं इकाइयों में। यानी कि मान लीजिए अगर एक रोटी खाते हैं तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो 20 यूनिट के बराबर मिलता है। दूसरी रोटी खाते हैं तो हमको हो सकता है 15 यूनिट के बराबर सेटिस्फेक्शन है। यानी ये जो उपयोगिता होती है उसको हम माप सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच किसने दिया, मार्शल द्वारा। दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच, यानी ये जो उपयोगिता जो होती है जिसकी कंज्यूमर जब किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उससे जो उपयोगिता जो उसको मिलती है
उसको हम माप नहीं सकते, यानी इकाइयों में नहीं माप सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि इसको हम एक क्रम दे सकते हैं, यानी जब हम पहली रोटी खाते हैं तो हमें हमारी ज्यादा भूख शांत होती है, और जब हम दूसरी खाते हैं तो उससे थोड़ी कम शांत होती है, यानी एक क्रम दे सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स ने अपनी किताब 1934 में वैल्यू एंड कैपिटल में दिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे कंजम्पशन, यूटिलिटी। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन ये होता है कि जब आवश्यकताओं, कोई भी वस्तु जिसकी उपभोक्ता को आवश्यकता होती है, जब वो उसका उपयोग करता है तो उसे उपभोग कहते हैं। यूटिलिटी यानी आवश्यकताओं की, कोई भी वस्तु द्वारा जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है उसे हम, जिसमें उपयोगिता होती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन समस्या हमारे पास क्या होती है कि हम इस यूटिलिटी को कैसे मेजर करें? तो एक यूटिलिटी, दो हमें फंक्शन देखने को मिलता है, एक यूटिलिटी एनालिसिस और एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच आपका यूटिलिटी एनालिसिस को फॉलो करता है, ऑर्डिनल अप्रोच इनडिफरेंस का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करता है। इस सेक्शन में हम यूटिलिटी एनालिसिस की बात करते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस क्या कहता है कि उपयोगिता, यानी जो भी हमें वस्तु से जो भी हमें उपयोगिता मिलती है उसे हम माप सकते हैं। ये कुछ एजम्पशंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एजम्पशंस क्या होता है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, यानी जो यूटिलिटी है उसको हम 1, 2, 3, 4, 5 यानी इकाइयों के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी इज मेजर्ड बाय मनी, यानी उपयोगिता को मनी के टर्म में भी माप सकते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु का हम उपभोग करते हैं, यानी कि उस उपभोग को क्या करते हैं, उसे परचेस करते हैं, किसमें, मनी के फॉर्म में। और उपयोगिता की मेजरेबल इकाई क्या है? यूटिल, यानी यूटिल क्या है, एक तरीके की काल्पनिक मेजर है जिसे कि हम माप सकते हैं। नाउ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। हम ये यूटिलिटी सिद्धांत ये मानकर चलता है कि मुद्रा से संबंधित जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट एजम्पशन हम ये लेते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हमारा रैशनल है, यानी कि उससे अपनी आवश्यकताओं के बारे में भली भांति पता है। नेक्स्ट एजम्पशन लेते हैं कि हमारे उपभोक्ता को अपनी च्वाइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, उसे मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, उसे वस्तु की दी हुई कीमतों के बारे में नॉलेज है, यानी वो एक रैशनल बींग भी है, साथ ही साथ उसे अपने च्वाइसेस के बारे में ज्ञान है। इसके साथ हम ये एक नेक्स्ट एजम्पशन लेते हैं कि वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हमारी यूटिलिटी को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट एजम्पशन लेते हैं कि जो हमारे सब्स्टिट्यूशन गुड्स की जो कीमतें होती हैं वो, मतलब सॉरी, सब्स्टिट्यूशन यानी जब हम दो वस्तुओं के बीच में एक दूसरे के बीच में जब प्रतिस्थापन करते हैं तो वो यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कॉमोडिटी को यानी एक गुड को लिया गया है। अब हम देखते हैं कि एक तालिका के द्वारा या फिर शेड्यूल के द्वारा भी हम मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी देख सकते हैं। हाँ, यूटिलिटी को हम दो भागों में बांटते हैं, मार्जिन यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि जितनी भी इकाइयां उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाती हैं उन सब का जोड़ आपका टोटल यूटिलिटी कहलाता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन, यानी कि जब हम एक से दूसरी इकाई में जो हम उपभोग करते हैं तो जो ये चेंज होता है उपभोग यूटिलिटी का, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस सारणी में कि एक्स, पहली इकाई हम जब एक्स की उपभोग करते हैं तो हमें 20 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है और 20 ही हमारा टोटल यूटिलिटी है। जब हम दूसरी इकाई उपभोग करते हैं तो हमारी उस इकाई से हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है? 15। तीसरी एक्स की कॉमोडिटी जब हम यूज करते हैं तो 10। चौथी 5। पांचवी के बाद ये शून्य हो जाता है, फिर छठवीं पे ये ऋणात्मक हो जाता है, और फिर सातवीं पे फिर ये माइनस टेन हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम किसी एक्स की कॉमोडिटी की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार कम होता जाता है, इसके बाद शून्य हो जाता है और इसके बाद ऋणात्मक हो जाता है।
और टोटल यूटिलिटी की अगर बात करें तो पहले 20 थी, फिर 20 प्लस 15 यानी 35, 45, 50, फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा शून्य है तो ये 50 हो जाता है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है तो हमारा टोटल यूटिलिटी घटने लगता है यानी 45, 35। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, अगर उसे हम रोटी की पहली इकाई खिलाते हैं तो हमें 20 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, दूसरी खिलाते हैं तो फिर उसे 15 के बराबर यूटिलिटी, यानी जो उसकी भूख वो धीरे धीरे शांत होने लगती है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर वो बोलेगा नहीं नहीं अब मुझे रोटी नहीं खानी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी शून्य हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी उसको जबरदस्ती खिलाते कि नहीं नहीं तुम्हें खाना है, तो उस वो मजबूरी में भले ही खा ले लेकिन उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव हो जाएगी यानी -5। इसे हम एक डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है कि ये हमारी टोटल यूटिलिटी फंक्शन है, यानी ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग है। जब ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है, सॉरी शून्य हो जाएगी यहाँ पे ये आपकी। और ये टोटल यूटिलिटी क्या होगा, कब घटेगा, घटना कब प्रारंभ कर रहा है, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या संबंध है, ये कहता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी घटता है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होता है तो आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी घटने लगता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। कहा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, लेकिन एक ए पॉइंट के बाद क्या है, वो घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तो जहां ये ब्रेक होता है वहां हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके साथ एक नई बात आती है, वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। यानी अभी तक जिस मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती है, ये ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी जब हम किसी वस्तु की उपभोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य की जब आवश्यकताएं सीमित होती है, आवश्यकताओं की सीमितता के कारण जब हम एक वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाला जो हमारा सेटिस्फेक्शन है लगातार घटता जाता है। इसे हम गॉसेंस का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर पर बेस्ड है। फिर इसमें हम एजम्पशंस लेते हैं कि इसमें हम पहले भी एजम्पशन ले चुके कि किसी प्रकार कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। फिर एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही गुड की एबिलिटी होती है, इसलिए जब उस वस्तु का वो उपभोग करता है तो एक ऐसा टाइम आता है कि व्यक्ति उस वस्तु के उपभोग से उसके जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है, फिर वो घटने लगती है। फिर इसमें फुल सेटिस्फेक्शन की बात कही जाती है, यानी वस्तु अगर सोसाइटी में केवल एक ही कमोडिटी अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बात है अगर हम उसका उपभोग करें तो एक पॉइंट के बाद हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उस वस्तु से उबने लगते हैं या फिर उस वस्तु की आवश्यकता हमारे लिए कम होने लगती है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगती है। फिर इसके कुछ एजम्पशंस है कि जैसे उपभोग को ही लेते हैं कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अगर उपभोग कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर रोटी खा रहा है तो उसको एक रोटी एक घंटे बाद, दूसरी रोटी तीसरे घंटे बाद दें तो पता चलेगा कि उसे जो पहली रोटी से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो उससे ज्यादा उसे दूसरी रोटी से बढ़ जाएगा। इसलिए उपभोग में मतलब निरंतरता होनी चाहिए। दूसरा एजम्पशन हम ये ले सकते हैं कि इक्वल इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी जिस वस्तु का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है वो क्वांटिटी में एक समान होनी चाहिए, यानी कि अगर 10 रोटी है तो 10 की क्वालिटी यानी सारे के सारे आटा की गेहूं के आटे की होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई जौ के आटे की हुई कोई मक्के के आटे की रोटी हो। क्वांटिटी यानी 5-6 जो उसकी क्वांटिटी है वो भी इक्वल होनी चाहिए, उसका साइज इक्वल होना चाहिए। फिर कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लेते समय हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता के टेस्ट में, उसके प्रेफरेंस में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं होते। अगर उसके टेस्ट में अगर बदलाव हो जाता है, मान लीजिए पहले उसने रोटी खाई फिर मान लीजिए उसको लगता है कि नहीं अब उसने रोटी नहीं मुझे पूरी खानी है, तो फिर उस समय पर मार्जिनल यूटिलिटी घटने की जगह क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यानी उसके इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी के टाइम पे हम एक एजम्पशन लेते कि सेम मेंटल स्टेटस। सेम मेंटल स्टेटस क्या कहता है कि ऐसा ना हो कि
जब उपभोक्ता पहली कॉमोडिटी का उपभोग करता है फिर इसके बाद कोई इंटॉक्सिकेट चीजें ले लेता है तो उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो चेंज हो जाती है, मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर एक शराबी है और वो शराब पीने के बाद वस्तुओं का उपभोग करता है तो उसे हर वस्तु से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसकी हर इकाई से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम से मार्जिन यूटिलिटी के लिए लेते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के, कि नो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वस्तु का उपभोग करते हैं और किसी उसकी प्राइस बढ़ जाती है जिस वस्तु का उपभोग कर, तो हो सकता है हम उसे किसी और वस्तु के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें। फिर कि जो भी कॉमोडिटी होती है उसकी प्रॉपर यूनिट का यूज करना चाहिए। फिर नो सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी प्रकार कोई सब्स्टिट्यूशन। इस सिद्धांत के कुछ अपने एक्सपेक्शंस भी हैं, यानी कि अपवाद भी हैं, जहां पे मार्जिन यूटिलिटी आपका जो लॉ है वो फॉलो नहीं हो पाता। जैसे कि अगर हम मनी की बात करें, तो जैसे जैसे मनी की अगर हम बात करते हैं तो मनी के टर्म में क्या होता है कि जैसे जैसे हमें मनी मिलती जाती है, यानी मुद्रा मिलती है, उससे हमारी जो तीव्रता होती है वो घटने की जगह बढ़ने लगती है, यानी उसका कलेक्शन हम ज्यादा करने लगते हैं। तो मुद्रा के ऊपर मार्जिन यूटिलिटी का ये लॉ फॉलो नहीं हो पाता। दूसरा कि अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मधुर संगीत सुनने का शौक है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक संगीत सुनेगा तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो घटने लगेगी। नहीं, वो जब दूसरी संगीत सुनेगा, तीसरा सुनेगा, तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी वो लगातार बढ़ती जाएगी। तीसरा अपवाद के तौर पर मान सकते हैं कि जो भी अपर्याप्त वस्तुएं हैं या दुर्लभ वस्तुएं हैं, मान लीजिए किसी किसी को शौक होता है पुराने सिक्के कलेक्ट करने का, तो क्या होगा कि पुराने सिक्के जब वो कलेक्ट करता है तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी घटती नहीं है, बढ़ती है। यानी पहली यूनिट में कुछ और, दूसरी यूनिट कलेक्ट करेगा, तीसरी यूनिट, यानी उसका जो शौक है वो मार्जिन यूटिलिटी वहां पे फॉलो नहीं हो पाती है। फिर कि वस्तुएं जो होती हैं वो नॉर्मल गुड्स होनी चाहिए, यानी कि अगर डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाली वस्तुएं होंगी तो वहां पे भी आपका ये मार्जिन यूटिलिटी फॉलो होनी। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत शौक होता है ज्वेलरी परचेस करने का, तो ज्वेलरी परचेस करने में जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी होती है वो घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। फिर हम ये भी कह सकते हैं, एक अपवाद ये होता है कि वस्तुओं की जो इकाइयां होती है वो डिवाइडेड नहीं होती। यानी अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, उसे भूख लगी हुई है, उसको हम रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा अगर देते हैं और फिर उसको दूसरा टुकड़ा देते हैं, यानी एक ही रोटी को चार टुकड़ों में काट दें और उसके बाद उसे एक एक दे, तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो घटने की जगह बढ़ जाती है। यानी कुछ अपवाद ऐसे हैं जहां पर आपकी मार्जिन यूटिलिटी लागू नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस में मार्जिन यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का बहुत इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।